नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। कांवड़ यात्रा पर कट्टरपंथियों के हमले का खतरा, यूपी मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए गृह मंत्रालय का अलर्ट। रुपए की वैल्यू में गिरावट को लेकर कांग्रेस का सरकार पर तंज, मार्गदर्शक मंडल की उम्र पार कर गया रुपया। राष्ट्रपति चुनाव से साधेंगे आम चुनाव, द्रौपदी मुर्मू की जीत पर 1.30 लाख आदिवासी गांवों में होगा जश्न। लिव इन पार्टनर की क्रूरता से परेशान महिला ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखा 8 साल में 14 बार करवाया जबरन अबॉर्शन। महाराष्ट्र में अब तक 99 लोगों की मौत, गुजरात के 8 जिलों में रेड अलर्ट, मुंबई की ओर जाने वाला एनएच बंद। ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग में बनाए मोमोज, मॉर्निंग वॉक के दौरान सड़क किनारे स्टॉल पर रुकी थी। केरल देश का पहला राज्य जहां खुद की इंटरनेट सर्विस, 20 लाख गरीब परिवारों, 30,000 सरकारी दफ्तरों को मिलेगी फ्री इंटरनेट। संसद में भ्रष्ट और जुमला जीवी जैसे कई शब्द बैन, प्रियंका का तंज, भ्रष्टाचार को मास्टर स्ट्रोक बोलिए, स्पीकर बोले कोई प्रतिबंध नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को सभी तरह की मंजूरी दी, बोले देवेंद्र फडणवीस। यशवंत सिन्हा का आरोप, पैसे के बूते चलाया जा रहा ऑपरेशन कमल, विधायकों की खरीद फरोख्त में जुटी है भाजपा। भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला, यूएई से केरल लौटे शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव, केंद्र ने राज्यों को जारी किए निर्देश। अमरनाथ यात्रा के दौरान पिछले 36 घंटों में 8 यात्रियों की मौत, मरने वालों की संख्या 41 पहुंची। कोरोना के खिलाफ एक और बड़ी जंग, आज से 75 दिन चलेगा बूस्टर डोज का विशेष अभियान। दहेज हत्या का केस हटाने की अपील खारिज, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा केस में कई पेज, पूरी जांच हो, पत्नी ने मायके में की थी आत्महत्या। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई एनआईए की क्लास, कहा लगता है आपका किसी के अखबार पढ़ने से परेशानी है। बुलंदशहर में मस्जिद में घुसकर गोली मारकर बुजुर्ग की हत्या, बुर्का पहनकर घुसे थे हमलावर। ईद वाले दिन दोस्त ने दोस्त को मार डाला, 10 जुलाई को लापता हुआ था बुजुर्ग, ईंट से सिर कूच कर की हत्या। पेट्रोल पंप कर्मी से हुई लूट और एक गिरफ्तार, 20,000 रुपए तमंचा और कारतूस बरामद। भदोही में 3 गांजा तस्करों पर गैंगस्टर, 70 किलो गांजे के साथ हुए थे गिरफ्तार, जमानत पर है गैंग का सरगना। महाराजगंज में रोड एक्सीडेंट में महिला की मौत, रात में टहलने निकले 5 लोगों को बाइक सवार ने मारी टक्कर,
4 अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने बदमाश के पैर में मारी गोली। अवैध रूप से करता था असलहों की तस्करी। 4 मामलों में थे वांटेड। जालौन में टीचर ने मासूम को डंडों से पीटा। रीढ़ की हड्डी में आई चोट। शिकायत पर प्रिंसिपल बोले, नाम काट दूंगा, मुकदमा दर्ज। मैनपुरी में 30 वाहन चोर गिरफ्तार। 68 बाइक पास तमंचा बदमाश के पास से बरामद। चोरों को अन्य साथियों की तलाश जारी। अंबेडकर नगर डीएमएसपी की गाड़ी में नहीं एचएसआरपी। आरआई बोले, कहीं ना कहीं अप्लाई किए होंगे। 5000 के जुर्माने का है नियम। जानलेवा हमले के आरोपित ने फिर पीड़ित को मारी गोली। गोली मारने के 15000 के इनामी को पुलिस नहीं कर सकी गिरफ्तार। यूपी में बारिश ना होने से किसान परेशान। सीएम ने बुलाई समीक्षा बैठक। बोले, सामान्य से कम हुई बारिश, हर स्थिति के लिए रहे तैयार। उन्नाव में युवक को पीटने वाले दो सिपाही ने लंबित भाई का बचाव करने पहुंचा था चौकी। वृंदावन में नगर निगम का चला बुलडोजर। 10 करोड़ की जमीन कराई कब्जा मुक्त। प्लॉटिंग कर माफिया ने गेट बनवा लिया था। चलती ट्रेन से कूदकर भागे दो अपराधी। प्रयागराज जंक्शन के पास हुई घटना। बिहार से गिरफ्तार कर ले जा रही थी दिल्ली पुलिस। सावन के पहले दिन बरेली में बवाल। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित बिरयानी की दुकान पर शराब पिलाने को लेकर दो समुदाय भिड़े। एटा में एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह बोले, एनडीए के राष्ट्रपति पद की कैंडिडेट को रबर स्टैंप कहना आदिवासी का अपमान। एसपी ने सीओआर थानेदारों के संघ की बैठक। थानेदारों को लगाई फटकार। बोले, तरीका सुधारे नहीं तो थानेदारों के लिए ऑप्शन है। बस्ती में अबुल खैर ट्रस्ट कार्यालय में मारपीट। ट्रस्ट की दुकानों का किराया मांगने पर हुआ था विवाद। 150 लोगों पर दर्ज कराया गया केस। गोंडा डीएम ने सुनी दिव्यांग की समस्या। जल्द से जल्द जमीन को कब्जा मुक्त कराने का दिया आदेश। बागपत में राकेश टिकैत बोले, अग्निपथ योजना युवाओं के साथ एक छल। एमएसपी पर गारंटी कानून बगैर नहीं मिलेगा किसानों को लाभ। मेरठ के दुर्वेशपुर गांव में सनसनीखेज वारदात। प्रेमिका की हत्या। खून से लथपथ प्रेमिका से लिपटकर रोया, फिर खुद को गोली मारी। ओपी राजभर देंगे द्रौपदी मुर्मू को वोट। सपा के साथ गठबंधन पर बोले, फिलहाल तो साथ हैं, टाइम आने पर बताएंगे। गाजीपुर में मांगों को लेकर शिक्षक लामबंद। सरकार के उदासीन रवैये और मांगे पूरी न होने पर जताया आक्रोश। बदायूं में मासूमों से कराई जा रही शराब तस्करी। फैजगंज बेहटा में ठेके खुलने से पहले ओवर रेट बेची जा रही शराब। अफसर अनजान। बांदा में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की। झगड़े के बाद चाकू से गोद कर मार डाला। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम कर रही जांच।
लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज विवाद में एफआईआर। मॉल मैनेजमेंट ने कहा नमाजी हमारे स्टाफ के नहीं थे। प्रेमिका के बाद डॉक्टर दोस्त ने दी जान। मेरठ में नर्सिंग स्टूडेंट थी लड़की, प्रेमी आजमगढ़ में था, एक ही रात दोनों ने लगाई फांसी। आजमगढ़ में प्यार में लड़की ने तोड़ा मजहब की दीवार, हिंदू लड़के के साथ मंदिर में लिए 7 फेरे, 2 वर्ष पहले शुरू हुई थी मोहब्बत। कानपुर देहात में बुजुर्ग का कुएं में मिला शव, 2 दिन से था लापता, परिजन बोले मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। कार के गेट से टकराकर स्कूटी सवार की मौत, ड्राइवर के गेट खोलते ही सिर के बल भिड़ा, उछलकर सड़क के दूसरे साइड गिरा। उत्तराखंड में अजब गजब कारनामा, सुगम में तबादले के इंतजार में दुनिया छोड़ गए शिक्षक, मौत के 4 साल बाद हुए अब ट्रांसफर के आदेश। नशे की हालत में निगम कर्मचारियों से किया झगड़ा, थाने में रिपोर्ट करने पर बस लेकर हुआ फरार। हरिद्वार से गंगा स्नान कर लौट रहे थे नोएडा के युवकों की कार पलटी, एक की मौत। सीएम उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, 29 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शुभारंभ। गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व आईएएस रामविलास यादव की पत्नी पहुंची हाई कोर्ट, दायर की अग्रिम जमानत याचिका। हाई कोर्ट ने डीएम से मांगा जवाब, हरिद्वार में कितने कुष्ठ रोगी और उनके कितने आश्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अद्वैत आश्रम में लगाया ध्यान, पीएम मोदी को भी दिया आने का न्योता। उत्तराखंड में कोरोना के 99 नए संक्रमित मिले, 2 मरीजों की मौत, निःशुल्क लगेगी कोविड टीके की एहतियाती डोज। साल बाद बोल बम के जयकारों से गूंजी देवभूमि, 4 लाख शिव भक्त गंगा जल लेकर हुए रवाना। बद्रीनाथ यात्रा थमी, भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, प्रशासन और एसडीआरएफ अलर्ट। उत्तराखंड में फर्जी दस्तावेज बनाकर सिनेमा घर के मालिक से ही कर दी सिनेमा घर की डील, शातिरों के प्लान का हुआ पर्दाफाश। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए मिलेंगे 25 करोड़, गौरीकुंड से तिलवाड़ा तक होगी सीवेज प्रणाली निर्माण। पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच खिंची तलवार, पूर्व सीएम ने हरक की निष्ठा पर उठाए सवाल। देहरादून में महंगा हो सकता है दाखिल खारिज करवाना, फीस बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव लगाएगा नगर निगम। उत्तराखंड में 18 जुलाई से भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, 173 सड़कें बंद। श्रीलंका के स्पीकर अभयवर्धने ने किया गोटाबाया के इस्तीफे का ऐलान, कहा 7 दिन के अंदर देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा।
महामारी में भारत बना बड़ा मददगार, 98 देशों को 23.50 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन मुहैया कराई। I2U2 समिट में पीएम मोदी का संबोधन, बोले हम 6 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को तैयार, वैश्विक स्तर पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करेंगे। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी ने इस्तीफे की घोषणा की, राष्ट्रपति ने किया खारिज। वित्तीय घोटाले ने खोल दी चीन में विनिमय और निगरानी की पोल, हजारों लोग बने शिकार। कनाडा में सिख नेता रिपुदमन की हत्या, करीब से 3 गोलियां मारी, एयर इंडिया फ्लाइट ब्लास्ट में आया था नाम, 20 साल बाद बरी हुए थे। यूक्रेन के विनित्सिया शहर पर मिसाइल अटैक, इमारतों के बीच एक के बाद एक 3 मिसाइलें गिरी, 23 की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इनावा का निधन, 1992 में हुआ था तलाक। प्रधानमंत्री पद का दूसरा दौर भी ऋषि सुनक ने जीता, दिया आलोचकों को जवाब, करों में कटौती करना प्राथमिकता। नुपुर शर्मा समर्थक डच सांसद गेट बिल्डर्स ने दी हिंदुओं को सलाह, बोले कहा हमारा साहसी बनो, मैं आपसे प्यार करता हूं और आपका समर्थन करता हूं। सस्ते होंगे नेटफ्लिक्स के प्लान, एड सपोर्ट प्लान के लिए माइक्रोसॉफ्ट बना पार्टनर। बिल गेट्स दुनिया के अमीरों में नहीं चाहते नाम, इसके लिए 1.60 लाख करोड़ रुपए दान करेंगे। विदेशी निवेशक शुरू कर सकते हैं खरीदारी, बीते 3 हफ्तों में आधी की बिकवाली, इसके घटने से निफ्टी 5% तक चढ़ा। अठारह पैसे की गिरावट के साथ सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया, देश में बढ़ेगी महंगाई, आयातों को होगा घाटा। कपिल वाधवन ने नियमों का पालन किए बिना बांटे 400 करोड़, सीबीआई ने किया बड़ा खुलासा। ईडी ने एनएसई के पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण को किया गिरफ्तार, मुंबई के पूर्व सीपी पर भी केस। सीतारमण बोली वैश्विक न्यूनतम कर समझौते में विकासशील देशों के हितों का ध्यान रखे G20। यूक्रेन ने रशियन फंड की लॉन्ड्रिंग करने वाले क्रिप्टो ट्रेडर्स को घेरा, ट्रेडर्स रूप के नागरिकों की क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर रहे थे। शिबाइनू के लिए बड़े वेल्स पर फिर एक्टिव, औसत कीमत में 26% का उछाल। क्रिप्टो मार्केट के लिए खतरा हो सकता है अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ना, बॉन्ड और क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में हुई थी काफी गिरावट। पाक कप्तान बाबर आजम ने बढ़ाया विराट कोहली का मनोबल, पोस्ट में लिखा ये समय भी गुजर जाएगा, हौसला रखें। रोनाल्डो को ऑफर हुई 2400 करोड़ रुपए की डील, साइन करते ही बन जाएंगे सबसे ज्यादा सैलरी वाले फुटबॉलर।
रोहित शर्मा बने डॉक्टर, फील्डिंग के दौरान कंधा हुआ डिसलोकेट तो खुद कर लिया सही, फिजियो को वापस लौटाया। डोपिंग टेस्ट में फेल हुए बांग्लादेश की गेंदबाज शहीदुल इस्लाम, 10 माह का लगा प्रतिबंध। बटलर के लिए ओडीआई में काल बने मोहम्मद शमी, इंग्लिश कप्तान को शमी ने बनाया अपना सबसे पसंदीदा शिकार। दूसरे वनडे में टीम इंडिया का सरेंडर, लॉर्ड्स में इंग्लिश ने भारत को 100 रनों से हराया, रीसे टोपली ने झटके 6 विकेट। बेंगलुरु में फाइट के बाद किक बॉक्सर की मौत, खिलाड़ी पंच से गिर गया था, पिता बोले ना एम्बुलेंस थी ना मेडिकल सुविधा, आयोजक फरार। लॉर्ड्स में छाई युजवेंद्र चहल, तोड़ा 39 साल का पुराना रिकॉर्ड शेन वॉन के बाद, ऐसा करने वाले पहले स्पिनर। विराट कोहली आराम लेने में भी चैंपियन, पिछले 7 सालों में 73 इंटरनेशनल मैच नहीं खेले, कोहली रेस्ट लेते हैं तो भारत 17% ज्यादा जीतता है। घर के बाहर लगातार तीसरी बार सीरीज जीता बांग्लादेश, वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे में 9 विकेट से हराया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका को भी हराया। द ग्रे मैन का लॉस एंजलिस में हुआ प्रीमियर, धनुष अपने दोनों बेटों के साथ फिल्म के प्रीमियर में पहुंचे। ईशा गुप्ता का वर्कआउट वीडियो वायरल, जबरदस्त एक्सरसाइज करती दिखी आश्रम 3 की एक्ट्रेस, फैंस ने तारीफ की। इमरजेंसी का टीजर देख अनुपम खेर बांधे कंगना की तारीफों के पुल, बोले बहते हुए दरिया को कोई नहीं रोक सकता, जय हो। शादी के बाद पहला जन्मदिन, विक्की के साथ मालदीव में सेलिब्रेट करेंगी कैटरीना, एयरपोर्ट पर रोमांटिक अंदाज में दिखा कपल। कूल आउटफिट में दिखे शाहरुख खान, किंग खान का अंदाज देख फैंस हुए इंप्रेस, वायरल हुआ वीडियो। रिया हुई ट्रोलिंग का शिकार, जिम के बाहर मुस्कुराते हुए स्पॉट हुई रिया चक्रवर्ती, यूजर्स ने किया ट्रोल। सुष्मिता सेन करेंगी ललित मोदी से शादी, 19 की उम्र में मिस यूनिवर्स, 10 अफेयर रहे, ऐश्वर्या राय को हराकर बनी थी मिस इंडिया। श्रीलंका में शांति के लिए बंगला मुख्य मंदिर पहुंची जैकलीन, बॉलीवुड अभिनेत्री ने हिमाचल के चिंतपूर्णी और ब्रजेश्वरी मंदिर में नवाया शीश। केबीसी में लाल सिंह चड्ढा का प्रमोशन करने पहुंचे आमिर खान, शो के पहले एपिसोड में अमिताभ बच्चन के साथ मिस्टर परफेक्शनिस्ट आई नजर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी के खिलाफ शिकायत, होली काउ की क्रिएटिव प्रोड्यूसर बोली जब भी मेरा आलिया से विवाद हुआ मुझे धमकी मिली है। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।